दोस्तों मुझे एक बच्चा मिला है और ऐसी बात है, ये इतिहास इस बात की गवाही देता है कि यहाँ पे कभी पहले लोग रहा करते होंगे और ये उनके कुछ अवशेष है। इस लड़के ने मुझे निकाल के दिखाई, बेटा बता रहा है कि यहाँ पे अवशेष निकलते हैं। बेटा सोना चांदी भी निकला है यहाँ पे, कोई कई बार घड़े पड़े जैसे, मतलब हीरे जवाहरात बर्तनों में, जैसे राजा महाराजा दवाई दे करते थे। हाँ। तो एक आदमी को मिले थे यहाँ पे, उन्हें लेके वे रात को यहाँ फिर आए नहीं फिर दोबारा, तो लगभग बहुत सारा सोना मिल गया उनको। तो अभी भी निकल जाता था जैसे, मतलब थोड़ा बहुत तो निकलता होगा अभी भी। अंकल ऐसा अंगूठी पाजा। तो यो जिन्ना अंग्रेजों के समय काल का बेटा, उसी समय काल का। देखो भाइयों का पहले जिन्ना देख लो, लोहे का देखो भाइयों कितना मजबूत है। अंग्रेजों ने कहां से मंगवाया हुआ, इंग्लैंड से, ठीक है। ये देख लो भाइयों, इधर से देख लो। तो ये तो आज तक बेटा मजबूत ही है, इतना और ऊपर था। हाँ। दोस्तों इतना और किया था, छोटू बता रहा कि जिन्ना यहाँ से ऐसा था, मतलब जो अंग्रेजों ने बनवाया था जिन्ना, और ऊपर तक दिल्ली तक चमक जाती थी इसमें से, और नीचे ढह गया है ना बेटा, नीचे ढह गया ना सारा। देखो भाइयों जिन्ना यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है इंग्लैंड से मंगवाया होगा उन्होंने, क्योंकि भाइयों पहले लोग इंग्लैंड से मंगवाया करते थे ऐसे जिन्ने से। और जिन्ना इतना बढ़िया है भाइयों, मजबूती आज भी इतनी है कि मतलब आज भी टिका हुआ है जिन्ना। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान योद्धा में, और आज हम आपको वो जगह दिखाओगे जहाँ पे भीम ने जुत्ती झाड़ दी थी। सही बात है जी, भीम ने जुत्ती झाड़ दी थी यहाँ, भीम ने जुत्ती झाड़ दी थी यहाँ, सही बात है। तो हकुलीगढ़ का जा रहा हूँ, जो कुरुक्षेत्र को जा रहे होंगे इधर को, तो ये टिल्ले जब इके लगे हुए हैं। अच्छा उधर बता रहे कि ऊपर उधर साइड में वो है गढ़गज, कितना पुराना होगा वो? अच्छा हजारों साल पुराना। तो दोस्तों काफी ऊंचा भी था, कुछ गिर भी गया। मैं बताया कि यहाँ से दिल्ली देख लेते, दिल्ली अंग्रेज लोग हैं ना। हाँ। तो दोस्तों ये बात सत्य है, और यहाँ पे भीम ने जुत्ती झाड़ी है, तो हम आपको लेकर चलते हैं। ये जी देखो, छोटे छोटे बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं यहाँ पे, और देखो भाई पूरा का पूरा जो है ना, जो पहाड़ पे बसा हुआ गाँव है, पूरा पहाड़ पे, उधर हाईवे है इधर साइड में है। चला है भाई, देखेंगे अंदर से कैसा मामला इसका, पूरा दिखाऊंगा तुम्हें। अंग्रेजों के समय काल में बनवाया गया था, और यहाँ के जो कुछ गांव के लोग हैं, मैंने उनसे बातचीत करी कि ये इतना ऊंचा था ये टूट के गिर गया सारा का सारा, और जो टूट के गिरा वो सारा का सारा नीचे दब गया, कि यहाँ से कि पूरी की पूरी दिल्ली देखी जा सकती थी, इतना ऊंचा इसको बताते हैं। और भाइयों इसके अंदर लोहे का जिन्ना है, देखेंगे जैसा भी है कैसा है, ये अंदर से कैसा दिखता है। गढ़गज है ये, गढ़गज के नाम से फेमस है बेटा। हाँ जी। अंग्रेजों के समय का लगायो तो बहुत ऊंचा बता रहे हैं ना लोग, वहाँ यहाँ के दिल्ली देख दिल्ली चमक जाती थी उस समय पे। देखो भाइयों ये टूट के गिर गया भाइयों, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अंग्रेजी साम्राज्य में कैसा था ये जिन्ना। देखो भाइयों, भाई रे ये तो बड़ा ऊंचा है। तो दोस्तों जिन्ना देख लो, कदा चढ़ते हुए भी डर लग रहा, कभी नीचे को गिर जा, पर भाइयों मेहनत करते हैं आपके लिए, चाहे उसके लिए कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जा, क्योंकि भाइयों बहुत ही ऊपर है। देख लो भाइयों बड़ा ऊंचा जिन्ना है, और ये देख लो भाइयों, ठीक है जी। वे भाई रे बहुत ऊंचा है, तो यहाँ से सारा का सारा गांव चमक रहा है भाइयों। उधर ये रोड मेरठ जा रही भैया, हुए ये देख लो भाई, वो रोड मेरठ जा रही है जी, और इस पर अंग्रेज ऊपर तक चले जाते होंगे। ये खिड़की वगैरह जो, ये तो जब गई होगी भैया। हाँ जी ये तो जब गई है ना। देखो भाई उस समय काल में भी भैया इतना और गिर गया, गिर गया। हाँ। बहुत ऊंचा होगा तो। हाँ। क्या बताया तुम्हारे पप्पा ने, अंग्रेजों के समय काल का आयो, अंग्रेजों का जमाने का आयो। हाँ। अच्छा दिल्ली विल्ली चमक जाती थी इस पर। हाँ। तो दोस्तों ये छोटू बता रहे कि तुम चले जाओ इस पर और भी ऊपर जाइए, चल दिखाइए कितना ऊपर डर लग रहा, हमें तो जब तभी डर लग रहा, देखो कितना हिल रहा है। फिर भी भाइयों देखो ये चले गए लड़के ऊपर, ठीक है आ जाओ नीचे को। तो दोस्तों अच्छा ये देखो बस तो भाई ने दिखा दिया आपको ये लड़का जो कि ग्रेजुएशन में काम है, और ये देखो ये कितना बड़ा है, ये बहुत तकड़ा है इसमें। तो यो जिन्ना अंग्रेजों के समय काल का बेटा, उसी समय काल का। देखो भाइयों का पहले जिन्ना देख लो, लोहे का देखो भाइयों कितना मजबूत है, अंग्रेजों ने कहाँ से मंगवाया हुआ, इंग्लैंड इंग्लैंड से, ठीक है। ये देख लो भाइयों इधर से देख लो।
तो ये तो आज तक बेटा मजबूत ही है। ये इतना और ऊपर था हाँ। दोस्तों इतना और गया था, छोटू बता रहा कि जिन्ना यहाँ से ऐसा था मतलब क्यों अंग्रेजों ने बनवाया था जिन्ना, और ऊपर तक दिल्ली तक चमक जाती थी इस वजह से, और नीचे ढह गया है ना बेटा, नीचे ढह गया ना सारा। देखो भाइयों जिन्ना यार मुझे तो ऐसा लग रहा है इंग्लैंड से मंगवाया होगा उन्होंने, क्योंकि भाइयों पहले लोग इंग्लैंड से मंगवाया करते थे ऐसे जिन्ने से, और जिन्ना इतना बढ़िया है भाइयों, मजबूती आज भी इतनी है कि मतलब आज भी टिका हुआ है जिन्ना। ठीक है ये देख लो भाइयों, इधर से आपको एक बार इसका व्यू दिखा दूं जिन्ने का। ये देखो भाई ये गोल 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 ऊपर तक जाता था, और ये थोड़ा सा ढह गया नीचे धस गया भैया। अच्छा जो कभी ऊंचा था बहुत ऊंचा, यहाँ से पूरा मेरठ चमक जाता था, पूरी दिल्ली चमक जाती थी। ठीक है भाइयों ये देखो भाइयों इधर साइड में, ठीक है ये देखो भाइयों कितने ये देखो भाइयों पूरा का पूरा जो है ये टिल्ले में बसा गाँव है। ठीक है बैठ जा चल, देखो भाइयों अरे बड़ी ऊंचाई है भाई। ये देखो भाइयों ये बसा हुआ है पूरा का पूरा टिल्ले पे, भीम ने जुत्ती झाड़ दी थी, एक ताऊ है इनसे पूछेंगे हम। ठीक है ताऊ ही बताओगे इसके बारे में। ए ताऊ जी राम राम, यो भीम ने जुत्ती झाड़ दी थी क्या है, सही बात है झूठ है, सही है। अच्छा जैसे मतलब उस समय में महाभारत काल का युद्ध हो रहा होगा तो यहाँ कुलिकट गए थे ना। अच्छा तो भीम ने यहाँ पर जुत्ती झाड़ दी, जब से यहाँ टिल्ले लगे पड़े हैं, कुछ लिगड़ा भी यहाँ पे जैसे मतलब खुदाई वगैरह में कंकाली लिगड़े सुन्न पुण्य की कोई चीज जैसे मतलब खेड़ा पलट गया। अच्छा खेड़ा पलट गया, अच्छा लिगड़ता है सुन्न वगैरह बब्बा जी उस समय कारतूस वगैरह। अच्छा अच्छा कारतूस वगैरह लिगड़ते अंग्रेजों के समय काल के। देखो भाइयों महाभारत काल की कुछ लिगड़ा कोई चीज जैसे महाभारत काल के समय का, जो हमने बताओ कितनी छोटी छोटी ईंट आज भी दबी पड़ी है, ईंट भी है हाँ जी, भी निकला है बर्तन मिट्टी के भी निकला है, बर्तन भी लिगड़ा है। अच्छा 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 तो यो ये है ऐसी वहाँ तुम सुनाओ हाँ जी, बलैनी देखी बलैनी, हाँ जी बलैनी वहाँ भी ऐसे ही है, वहाँ भी ऐसे हाँ जी, इससे बड़ा है थोड़ा सा तो वो है कोदो कांदो का वो। हाँ जी हाँ जी बब्बा जी हमारे बड़े बब्बा बुढ़े लोग बता रहे हैं जैसा है कि मतलब उन्होंने बतावा है कि जैसे महाभारत काल का युद्ध हो रहा था उस समय मतलब भीम यहाँ को लिकड़ के जा रहा था, तो भीम ने जैसे मतलब अपनी जुत्ती झाड़ी तो जब से टिल्ले लग गए, सही बात है ये लोग सही बताते हैं बात है ना, ये पलटा हुआ कोई तो माया ऐसी जो ये पलटी वैसी। अच्छा नू पलट गया हाँ। अच्छा जैसे भूकंप आ जाएगा, हाँ जी हाँ जी भूकंप आ गया जैसे मतलब दोस्तों बब्बा जी बता रहे हैं जैसे भूकंप वगैरह आ गया तो ये सारा सारा खेड़ा पलट गया, तो लोग बात बताते हैं कि भीम ने जूती झाड़ी, वो भी बात सत्य है या झूठी बात है ये, इसको कह नहीं सकते भाई हम पर, लेकिन बताते हैं कि भीम ने जूती झाड़ी यहाँ पे है ना। अच्छा कि दोस्तों यहाँ के जो कुछ गांव के लोग हैं मैंने बातचीत की कि यहाँ पे मतलब भीम ने जूती झाड़ी थी, ठीक है जी, और लगभग बात करें सारा का सारा गाँव इसी के ऊपर बस रहा सारा। अच्छा सारा ऊपर बसे पड़े घर पर सब है। अच्छा पानी आ जाए जैसे नीचे से आ जा जी, ऊपर से पानी आ जाता है। अच्छा बोल करके। अच्छा अच्छा जी समरसेबल वगैरह करके। अच्छा कितने नीचे पानी यहाँ कितना होगा, 50 हो गई। अच्छा ज्यादा। अच्छा तो खुदाई कब की गई थी थोड़ा सा हो गए होंगे कई कई साल। अच्छा आपने देखे लिगड़ते हुए हैं। अच्छा वहाँ भी लिगड़े थे तो उन्हें बता रहे जैसे जी मैंने तो देखो यहाँ के जो गांव के लोग हैं बता रहे तो कभी बहुत ऊंचा था और भी ऊंचा गया था, ये बहुत सही है बोलता हूँ क्या। ये जो ये खड़ी ना कुतुब मीनार खड़ी हाँ, ये अंग्रेजों के जमाने की हाँ जी, इस पे टीका ही मंजिल ऊपर कहीं उन्होंने बता रहे कि दिल्ली चमक जाती थी, सही बात है आराम चमकती है दिल्ली चमक जाती इस पे से, ऐसे कितनी ऊंची थी जो दिल्ली चमक जाती जितनी ये तीन खंड ये है फिलहाल अब। हाँ जी हाँ जी तीन ही ऊपर हो कम से कम। अच्छा देखो भाइयों कभी इतनी मानो चलो वहाँ तक ठीक है वहाँ तक थी भाइयों वो टूट के सारी सारी नीचे दब गई, और यूँ बताते हैं कि यहाँ के गांव के जो लोग हैं मैंने बातचीत करी यहाँ के लोगों से कि यहाँ से दिल्ली चमक जाती थी। ठीक है तो भाइयों अब चलते हैं, हमने आपको दिखाया ठीक है, औरंगज जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपने बताया हमें। ठीक है ये देख लो भाइयों पूरा का पूरा जो गाँव है मतलब पूरा टिल्ले में बसा हुआ है, ठीक है यहाँ के गाँव के लोगों से मैंने बात करा दी। ये देखो भाइयों भाई जा रहे हैं आपको दिखाओ, देखो भाइयों कितने खड्डे हैं देखो भाइयों, ठीक है और भाइयों पूरा का पूरा जो गांव है एक मट्टी के टिल्ले पे टिका हुआ है। ये देखो भाइयों
ईंट भाई ये चमक रही है, आप कह रहे हैं ये है ना ईंट। हाँ जी। देखो भाई कितनी छोटी छोटी ईंट है ये, देखो भाई इधर से मैं दिखा दूँ थोड़ा सा भाई, सांप का भी खतरा हो सकता है इनमें, क्योंकि ये बिल वगैरह सांप के हो जाते हैं। फिर देखो भाई कितने खड़े खड्डे खड्डे, देखो भाई इधर से देख लो भाई, ठीक है जी। ये देखो भाई ईंटें आज भी चमक रही है, कोई अगर ईंट यहाँ पे पड़ी हो, ये है ना ये ईंट, यही है ना वो, यही होगी। हाँ ये छोटी है। देखो भाई जो ईंट इनमें ही है, इनमें से लिकड़ी हुई है, ठीक है। ये देखो भाई, ठीक है, ये पूरा गांव इस पे टिका भैया है। ये देखो भाई पूरा का पूरा जो गाँव है इसी पे टिका हुआ है सारा का सारा, ठीक है। भीम ने जूती झाड़ी थी, हाँ है ना। देखो भाई भीम ने जूती झाड़ी थी भाई इधर, ठीक है जी। ये देखो दोस्तों मुझे एक बच्चा मिला है और ऐसी बात है, ये इतिहास इस बात की गवाही देता है कि यहाँ पे कभी पहले लोग रहा करते होंगे और ये उनके कुछ अवशेष है। इस लड़के ने मुझे लिकाड़ के दिखाया। अच्छा अच्छा, ये देख सकते दोस्तों, ये बच्चा बता रहा है कि यहाँ पे अवशेष निकलते हैं। बेटा सोना चांदी भी लिकड़ा है यहाँ पे, कोई कई बार घड़े पड़े जैसे, मतलब हीरे जवाहरात बर्तनों में, जैसे राजा महाराजा दवाई दे करते थे तो एक आदमी को मिले थे यहाँ पे, उन्हें लेके वे रात को यहाँ फिर आए नहीं फिर दोबारा, तो लगभग बहुत सारा सोना मिल गया उनको, तो अभी भी निकल जाता था जैसे, मतलब थोड़ा बहुत तो निकलता होगा अभी भी। अंकल ऐसा अंगूठी अंगूठी पा जाती है किसी वही है ये, बिल्कुल सही कह रहा है। और ये देखो भाई, ये बेटा यहाँ पे जो बर्तन के अवशेष दिखाना, निकाल के कुछ मटके वगैरह के दिखाना एक बार दोस्तों, कितनी मेहनत कर रहा है मेरे लिए छोटा सा बच्चा, ये जो आपको दिखा रहा है लिकाड़ लिकाड़ के, ठीक है। इसके लिए लाइक का बटन तो दबा दियो भाई। ये टिल्ला पूरा का पूरा भाई पुराना है, ये मिट्टी के बर्तन है बेटा ना। हाँ ये देखो भाइयों, तो किसान भाइयों ये मिट्टी के बर्तन है और इधर साइड में इंसानों के अवशेष भी निकलते हैं, तो इसमें तो कभी पहला लोग हजार साल 2000 साल पहले रहा करते होंगे ना। देखो भाइयों आज भी घर है ये, बहुत पुराना। ये इधर तुम्हारा वाला घर है इधर साइड में जिसपे डिश लग रहा है। अच्छा ये आपका घर है। देखो भाइयों ये इस बच्चे का घर है, कभी आपने अपने घर में जैसे बन रहा होगा उस टाइम पे भी निकला था खुदाई के वक्त, क्या निकला था, हड्डी वगैरह सब लिकड़ी है। हड्डियां निकली थी जो कोई मटके का घड़ा वड़ा कुछ वो भी निकला था पुराने घड़े। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों इतिहास इस बात की गवाही खुद देता है कि यहाँ पे भी कभी लोग रहा करते होंगे और कभी उनके भी मतलब यहाँ पे मतलब सभी परिवार रहते थे होंगे। बेटा देखो भाई, ये देखो भाई इसपे चिपक रहे हैं थोड़ा सा, मैं आपको इधर से दिखाना चाहूंगा। ये देखो ये रे मट्टी के बर्तन, और ये देखो भाइयों इंसानों की हड्डियां यहाँ की आपको दिख रही है, उधर भी एक हड्डियां हैं। और यहाँ पे बेटा जैसे मतलब बता रहे हैं कि अभी आर्मी वगैरह भी वाले आए भी थे, उन्होंने खुदाई कर दी यहाँ पे आर्मी वालों ने भी, कल उन्होंने इधर नहीं उधर खुदाई करी थी, तो उनको भी सोना वगैरह मिला था कुछ, और उन्होंने सिर्फ एक वो मशीन से ले रहे थे। हाँ हाँ, वो टू 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 बोलती है जो। अच्छा आप भी थे उस टाइम पे यहाँ, तो आपने देखा कुछ लिखा वहाँ पे सोना वगैरह कुछ तो निकला हुआ, थोड़ी हड्डी मटका ले गए थे। अच्छा हड्डी और मटकिया वे ले गए थे अपने साथ में, अंगूठी लिकड़ी थी सोने की थी वो, पता नहीं इतना। अच्छा इतना पता नहीं है लेकिन है थी अंगूठिया, तो दोस्तों मेरे हिसाब से शायद वो सोने की होगी, क्योंकि उस टाइम पे जो मतलब बड़े बड़े जो राजशाही परिवार के लोग है वो अंगूठिया पहना करते थे। ये देखो भाई ठीक है, तो इससे बड़ी भी हड्डी लिकड़ी है, कितनी बड़ी आपके अंदाजे से। एक भाई तो इतनी बड़ी हड्डी पाई थी जैसा ये पूरा शरीर रहता है इंसान। ये देखो भाई इतनी बड़ी हड्डी अभी मिली है बेटा, तो दोस्तों देख सकते हैं काफी कुछ अवशेष भी मिले हैं। अभी तो एक प्रकार कोई बेटा ऐसी भी चीज निकली, तलवार भल्ले मतलब इस प्रकार का कुछ तलवार वगैरह ऐसा नहीं निकला कुछ है, और सोना वगैरह निकला था पहले। अच्छा वो सोना लेके तो फिर यहाँ से भाग गया वो है, फिर आया नहीं फिर वो। दोस्तों यहाँ पे किसी को सोना मिला था और फिर यहाँ से चला गया। देखो भाई ठीक है जी, अब चलते हैं जी भाइयों, राम राम।